नक्सल प्रभावित जिला सुकमा में एक साथ 28 सीआरपीएफ जवानों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। मामले में कमांडेंट राजेश यादव ने जांच के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सी कंपनी के जवान बीमार हुए हैं। रायपुर की टिकरापाड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ लेखपाल मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया गया है। कोरबा जिले के रामपुर क्षेत्र के जेके हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की गाजगिरी। अस्पताल द्वारा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस अस्पताल पर कार्रवाई कर लाइसेंस का आवेदन रद्द कर दिया गया। अस्पताल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल संचालक फरार चल रहा है। शुक्रवार को देर शाम भिलाई थाना के अंतर्गत सेक्टर 6 बीएमजी स्कूल में आग लग गई। सूचना पर तत्काल फायर कंट्रोल रूम दुर्ग से अग्निशमन कर्मियों को रवाना किया गया। वहां पहुंचकर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने स्कूल के रूम में लगी आग को बड़ी मशक्कत से बुझाया। आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है। स्कूल में रखे लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। नक्सलियों की खोखली विचारधारा व भेदभावपूर्ण व्यवहार से तंग आकर मार डिवीजन की इंद्रावती एरिया कमेटी एलओएस के डिप्टी कमांडर मीठू कश्यप उर्फ फग्नू ने शुक्रवार को पुलिस अफसरों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुनर्वास नीति के तहत उत्साहवर्धन हेतु उसे 10,000 रुपए नगद प्रोत्साहन राशि दी गई। धमतरी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर उत्तर प्रदेश के 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने महज सप्ताह भर पहले ही धमतरी शहर के 5 अलग अलग घरों में लंबा हाथ मारा था और करीब 12,60,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपए कैश की चोरी की थी। गरियाबंद सिटी कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को खुदकुशी के 2 मामले सामने आए हैं। यहां जंगल में अलग अलग स्थानों में एक युवक और एक युवती की लाश मिली। दोनों के बीच जीतासाली का रिश्ता बताया जा रहा है। रायपुर में राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने अपने हड़ताल के 16वें दिन शुक्रवार को पावर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कुछ कर्मचारी लाश बने रहे, जिन्हें अन्य साथियों ने कफन उड़ाया हुआ था। दो दिन पहले बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र से गायब बरसाही के पूर्व पंच का कोरबा जिले में जला हुआ शव मिला है। अवैध संबंधों के संदेह के चलते पड़ोसी ने अपने साले व उसके रिश्तेदार के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। शव को शहर से कार में ले गए और करीब 50 किलोमीटर दूर जंगल में जलाकर ठिकाने लगा है। अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर ग्राम धोंधा के समीप सड़क निर्माण के बार बार अवरोध से आवागमन में हो रही दिक्कत और धूल से बेहाल ग्रामीणों ने एक बार फिर सड़क जाम कर दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले जाम के कारण मार्ग के दोनों ओर छोटी बड़ी वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सरगुजा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल में 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। बेटी का शव ले जाने के लिए पिता एम्बुलेंस मांगता रहा, जब नहीं मिली तो कंधे पर शव लेकर 10 किलोमीटर पैदल घर पहुंचा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में 7 साल की बालिका की मौत के बाद पिता द्वारा शव को ढोकर पैदल ही घर ले जाने के मामले को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद सीएमएचओ ने लखनपुर के प्रभारी बीएमओ डॉक्टर पीएस केरकेट्टा को पद से हटा दिया है। जांजगीर जिले के जैजपुर थाना क्षेत्र स्थित स्कूल में साथ पढ़ने वाली एक छात्रा को पहले नाबालिग प्रेमी ने प्रपोज किया। छात्रा ने मना किया तो धमकी देने लगा, फिर अपने 2 दोस्तों के साथ छात्रा के घर में घुस गया, उसके कपड़े फाड़े, जमीन पर घसीटा
और दुष्कर्म किया। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में दो नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद के NH-353 में ग्राम झलखमरिया के पास स्थित कबाड़ यार्ड में अचानक आग लग गई। आगजनी की सूचना पर दमकल वाहन मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद यार्ड के बाहर फैल चुकी आग पर काबू पाया गया। महासमुंद जिले के कटंगा पाली गांव में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ में लगभग 500 लोगों ने घर वापसी की। महायज्ञ का आयोजन आर्य प्रतिनिधि समाज एवं नीलांचल सेवा समिति के सहयोग से किया गया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने इन लोगों के चरण गंगा जल से पखार कर मूल धर्म में वापसी कराई। मुंगेली नगर पालिका के जवाहर वार्ड के कांग्रेस समर्थित पार्षद राजशेखर यादव के खिलाफ वार्ड निवासी ने आगजनी, सोने व नगद चोरी का मामला सिटी कोतवाली में दर्ज कराया है। मामले में पुलिस IPS की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई CSP विश्वास चंद्राकर का प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन के बाद वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उप सेनानी रैंक के अधिकारी बन गए हैं। हालांकि प्रमोशन के बाद भी वह CSP पुरानी भिलाई ही रहेंगे, क्योंकि पदोन्नति आदेश के साथ कोई भी नई पद स्थापना का आदेश जारी नहीं किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में महिला कांग्रेस की प्रभारी सुनीता सेहरावत, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी निदाम की मौजूदगी में प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक हुई। इसमें महंगाई के खिलाफ घर घर दस्तक देकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले के ग्राम साकरा जोक में हुए हत्याकांड की CBI जांच का आदेश दिया है। करीब 4 साल पहले महासमुंद जिले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जघन्य हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए CBI जांच की इस मांग हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। रायपुर SSP ने SI विनोद कश्यप का तबादला किया है। दरअसल SI विनोद कश्यप पर पत्रकार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद रायपुर SSP ने त्वरित कार्रवाई करते हुए SI विनोद कश्यप का तबादला किया। आदेश के अनुसार SI विनोद कश्यप को थाना तिल्दा नेवरा ट्रांसफर किया गया है। राजनांदगांव जिले में कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेसी नेता के खिलाफ मोहल्ले में रहने वाली शादीशुदा महिला ने शिकायत की थी। महिला ने कांग्रेस नेता पर उसके पति को भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।